दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। दोस्तों हाल ही में जब सोनाली बेंद्रे की कैंसर की खबरें जोर पकड़ती नजर आई और एक के बाद एक कई चैनल्स ने उनके कैंसर को लेकर खबरें चलाए, इसके कुछ समय पहले एक्टर इरफान खान को भी कैंसर हुआ और उनका भी इलाज चल ही रहा है। लेकिन नहीं, ये सिर्फ कुछ केस नहीं है बल्कि इससे पहले मनीषा कोयराला, लीजा रे, राजेश खन्ना, अनुराग बसु और विनोद खन्ना जैसे कलाकारों को कैंसर हो चुका है और इनमें से कुछ ही बच पाए जिन्हें समय पर पता चल गया, लेकिन ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन सितारों को कैंसर क्यों हुआ और आखिर क्यों बॉलीवुड के ज्यादातर सितारे कैंसर के शिकार हुए हैं। दरअसल इसके पीछे वजह है इन सितारों का रहन सहन। ये सितारे एयर कंडीशनर में रहते हैं और इन्हें मेकअप भी करना पड़ता है। दो खास वजह है इन सितारों के कैंसर की। एयर कंडीशनर सुकून के लिए है जरूर, लेकिन ये हानिकारक वायु भी छोड़ता है जिसमें क्लोरोफ्लोरो का अवन प्रमुख है। इसी के साथ मेकअप में जहरीले केमिकल होते हैं जो रक्त कैंसर और त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण है, लेकिन ये तो इन सितारों के रहन सहन का सिर्फ एक हिस्सा है, हकीकत तो और भी ज्यादा भयानक है। बॉलीवुड के कुछ सितारों को छोड़ दे तो बाकी सभी नशे के शिकार हैं। देर रात पार्टी करना बॉलीवुड की पहचान है और इन पार्टियों में ये अलग अलग तरह के नशे करते हैं जिनकी तस्वीरें आप अक्सर सोशल मीडिया पर भी देखते ही होंगे। कई बार तो बॉलीवुड के कुछ सितारे ड्रग्स के साथ पकड़े जा चुके हैं जिनमें फरदीन खान और संजय दत्त भी शामिल हैं। ये वो कारण है जो धीरे धीरे इन्हें कैंसर का शिकार बना देता है, और सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि हार्ट अटैक का भी, जिसका हाल ही में उदाहरण श्रीदेवी के रूप में सामने आया। बॉलीवुड सितारे समाज के लिए प्रेरणा हो सकते हैं अगर वे कैंसर से बचने के लिए खुद का उदाहरण पेश करें, लेकिन जरूरी यह है कि उन्हें पहले खुद सुधार करना होगा। आज का युवा इन्हें देखकर खुद को कूल दिखाने के लिए नशे का शिकार हो रहा है। सुकुंभरी जिंदगी हर किसी की चाहत है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके लिए हमें क्या कीमत देनी है। दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।